दोस्तों मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं हुआवी के हाल ही में लॉन्च हुए हुआवी पी स्मार्ट जेड के बारे में। तो इस फोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल पाते हैं, क्या इस फोन की प्राइस रहेगी, क्या ये फोन इंडिया में आ पाएगा, क्या ये फोन इंडिया में आना चाहिए, इन सभी मुद्दों के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे हम। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर न्यूज, हर मोबाइल, अपकमिंग मोबाइल की स्पेसिफिकेशन, अनबॉक्सिंग वगैरह वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस फोन के अंदर हमें जो है सबसे पहला हाईलाइट पॉपअप सेल्फी कैमरा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। 4000 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें मिल जाती है। 6.59 inches की फुल HD डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है, HD+ डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है कीरिन 710 का प्रोसेसर इसके अंदर हमें मिल जाता है। यदि बात करें इस फोन की प्राइस के बारे में तो इस फोन की जो प्राइस होने वाली है वो है भैया 21,700 रुपये इस फोन की प्राइस है। ये इंडिया में वैसे आया नहीं है, इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको लगभग अमाउंट बताया, हो सकता है प्राइस थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो। इस फोन के जो एक ही वेरिएंट अवेलेबल है 4GB 64GB यानी 4GB 64GB स्टोरेज के साथ ये फ़ोन अवेलेबल है। इस फोन के अंदर रियर फिंगरप्रिंट माउंट हमें मिल जाता है। यदि रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है इसके अंदर। यदि बात करें इसके पॉपअप कैमरा की तो इसके अंदर भी हमें 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल पाता है, यानी 21,000 रुपये में हमें ये मिल पाता है। घटिया फ़ोन भैया, घटिया ही कहा जाएगा ये फोन को। इस फोन को यदि मैं कंपेयर करूँ, सिर्फ इसका पॉपअप डिज़ाइन निकाल दें, एक नोच वाला जो है वो मैं मानता हूँ है, तो ये इससे अच्छे फीचर्स हमें जो प्रोवाइड करवा रहा है भैया ओनर 8X, उसके अंदर हमें जो है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है विद नॉच डिजाइन। नॉच के साथ हम समझौता कर सकते हैं, नहीं चाहिए हमें पॉपअप वाला। और यदि रियर कैमरा की बात करें तो उसके अंदर हमें जो 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का जो है रियर कैमरा सेटअप मिलता है। दूसरी बात यदि करें उसके स्टोरेज की तो 64GB स्टोरेज हमें मिल जाता है। किरिन का 710 का प्रोसेसर भी उसके अंदर हमें मिल जाता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिल जाती है। और वो फ़ोन जो है फिलहाल जो अमेजोन के ऊपर तकरीबन 12,000 या 13,000 रुपये के आसपास का आ रहा है। तो भैया क्यों इंडिया के अंदर मत लेके आना भैया ये फ़ोन इंडिया के अंदर चलेगा ही नहीं, चाहिए ही नहीं। बाकी आपका क्या सुझाव है, क्या आप एक सिर्फ पॉपअप सेल्फी कैमरा के लिए जो 8,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करेंगे जो भी 2 मेगापिक्सल कम है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और बाकी आपके जो भी सुझाव हो, वीडियो आपको क्यों अच्छा नहीं लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। ये था इस वीडियो के बारे में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।